घर का तो घर एक घर को क्या फूट गया है फोटो में आएगा मेरा घर सामान लेकर चले लोग उठा लेते हैं इसके साथ जाओ अच्छी तरह रखेंगे वो लोग सामान यहाँ से चुरा लेता है लोग सब आज पूरा आज इसके साथ जाओ अब बीमारी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हो दादा यहाँ तो कैसी हालात में पड़े हुए थे। हमें एक अंकल का कॉल आया तो मैं बस जस्ट घर से आया ही था तो हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। दादा काफ़ी बुरी हालात में थे यहाँ पे, इन्होंने किसी जगह पे लैटिन वगैरह भी कर रखा है क्योंकि इनसे चला फिरा नहीं जाता है। तो इनको हम आश्रम ले कर जाते हैं और इनके साथ पहले नहला धुला के फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई। दोस्तों हमने दादा को ले लिया अपने साथ और दादा ने कई दिनों से लैटरिन बाथरूम पेंट में किया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है, इसलिए हमने शीशा वगैरह भी खोल रखा है और पीछे हमने रखा है दादा को। तो पहले हम आश्रम पर ले जाते हैं इनको नहला धुला के और इनको पहले साफ सुथरा बनाते हैं, फिर इसके बाद इनके लिए आगे क्या किया जाए। ये शायद जलगांव के हैं, मुंबई के, और इनके फैमिली का हम पता लगाते हैं। अगर हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दादा को इनकी फैमिली मिल जाए। तो जुड़े रहें और आगे देखते रहें। शादी लगने हो गया एक, अभी मेरी उम्र नहीं है शादी की। अरे बाबा उम्र आजकल उम्र से नहीं पता चलता ऐसा। हाँ चलो आप बोलते हो मैं इस बार शादी कर लेता हूँ। हाँ कर लूँ अभी। तो लड़की है आपके पास? अभी इनका उम्र दिखा नहीं, फिर शादी हो गया ना तुम्हारा। हाँ बच्चे भी है। हाँ देख यहाँ मत करो, जो उससे बड़ा है जो बड़ा गाँव में बहुत छोटा हूँ तो क्या। चलो आप बोले तो मैं शादी कर लूंगा इस बार। ठीक है। हाँ तो लड़की है आपके गांव में? हमारे गांव की लड़की तेरे क्या काम की? क्यों लड़की से शादी कर लूंगा ना, मेरे को करवाओ आप शादी। अरे रिश्तेदार अपना, ये अपना रिश्तेदार में रिश्ता जोड़ना पड़ता है, पर लड़की की शादी रिश्तेदार में शादी जोड़ना पड़ता है। दादा बहुत बड़ी बात कही है आपने। भी माँ बाप की मर्जी से? हाँ माँ बाप की मर्जी से तो झाड़ का पत्ता भी नहीं हलता। उसने जन्म दिया है ना तो उसका कहना मानना पड़ता। उसने अगर ना बोल दिया तो तू शादी नहीं कर सकता। सही बात है, क्योंकि उसको पसंद नहीं। अपने
अपना बच्चे की जैसी सेवा करना पड़ता रे बापू को। ऊपर वाला क्या दे जाए तू? क्या पूछ रहे हो? ऊपर वाला क्या दे जाए? किस काम का? ये सेवा करते तू गरीबों की। मेरे को मजा आता है। मेरे को मजा आता है करने तुमको। ये बात ऊपर वाला क्या देता है नहीं देता है पता नहीं, मेरे को मजा आता है ना सेवा करना, गरीबों की सेवा करना। बस धर्म तुमने स्वीकार लिया मतलब गरीबों का सेवा करूंगा मैं तो मेवा पा लेगा। मेरे तुम लोग पगार तुम्हारी पगार वही क्या नहीं पगार नहीं मिलता पगार मिलती नहीं नहीं बड़ी बात की सेवा करते यार तुम लोग यह निकालना पड़ेगा कितने दिन रहोगे? काम करना पड़ेगा पर कुछ काम नहीं करना है। खाना मिलेगा सोना मिलेगा कितने दिन तक रहोगे? काम नहीं वो काम न करना पड़े नहीं मैं भी काम बनना करता झाड़ू फाड़ू काम कोई बात नहीं आपको जो दिन करे तो करना है आप अच्छा आदमी हो ठीक है। खाली ना एक काम का ध्यान रखना आप संडास बाथरूम हो ना तो बेड पे नहीं करने का उसमें चले जाने का। अच्छा इसके सामने ही आपको दूंगा तो उठ के जैसे वो दादा गया था ना तो वो भी नहीं चल पाता है लेकिन वो चला जाता है रेंग रेंग के उधर जाके करता है। साफ सुथरे रहेंगे तो अपना ही फायदा है ना है ना। हाँ बरूर सफाई थे गंदा कर देंगे तो तुम लोग को भी बोल पड़ती हूँ बच्चे को माँ आकर की सजाती है तुम्हारा बच्चे की जैसे सजा दूंगा अभी बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है। अभी आ गया और अभी दादा आपसे दो मिनट बात करूं। आपका नाम क्या है? काशीराम। काशीराम कहाँ के रहने वाले हो आप? आप मैं जलगांव। जलगांव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इधर सूरत कैसे आए? ये सूरत है क्या? हाँ ये सूरत गुजरात है। हाँ गुजरात है। कैसे आए इधर? इधर आया था मैं कंपनी में काम पे। अच्छा कब आए थे? सूरत बॉटलिंग कंपनी में आया था काम पे तो उसी में ना मेरी आप औरत एक्सपायर हो गई। अच्छा तो मतलब उसकी जान ही चली गई सबसे मैंने कंपनी छोड़ दिया फिर क्या काम करूँ बच्चे अलग हो गए बड़े बड़े हो गए बच्चे आदि। कहाँ है आपके बच्चे? बच्चे के गांव में। उनसे बातचीत होती है? वो बिछड़ मतलब वो क्या बात करेंगे हमारे से माँ मर गई उनकी हो वो बात नहीं करते। माँ मरने के बाद वो बोलेगा तेरी गलती से हमारी माँ मर गई तो नफरत करने लगे आपसे। तब मैं बोला ठीक है भाई तुम पूछ लो कंपनी वाला से इसी से भी पूछ लो मैं मेरा का तुम्हारी औरत। अरे बहन तुम्हारी माँ को कंपनी में दब गई वो तो तुम हमारे नाम ले रहे। वो बोले तू काम पे लगाया उसको काम पे नहीं लगा था तुम ठीक है वो। अरे वो हाउस कर रही थी काम पे आने जाने की सब बाया काम कर रहा है 50-60 बाया तो काम कर रहा है वहाँ। सही बात। तो उसको भी हाउस लगी तो लग गया काम पे। अच्छा जी सही मोकला रहता काम करने से। सही बात है।
तो बच गई थी, नहीं तो कुछ दोनों लड़का अनेक लड़की है, कोई आपसे बात नहीं करता है। बात भोरी कटनी भोरी में दो माता, ठीक है, पूरी पूरी की जीवन में तकलीफ आते रहता है, रोना नहीं है, नहीं नहीं रोना है ना, नहीं ठीक है। फिर ऐसे आप रोड पे कैसे रहने लगे? फिर नहीं, मैं सूरत गया, सूरत पे श्री राम पाटिल के पास रहे मैं, उसने मेरे को अच्छा रूम वूम सब भाजीपाला का धंधा था उसका, तो मैं जाने से उसका ठंडा ऐसा बढ़ गया, फिर टेम्पो भी रिक्शा भी एंड बुलेट भी। अच्छा, सब चलाते थे? नहीं मैं नहीं, उसके नौकर, नौकर को भी उसका पूरा था दो। अच्छा, उसकी पूरी थी सब वाहन हो गया, और चौथा तो मार्च में बिल्डिंग लिया था उसके। अच्छा, पहले देख के रखा गया, फिर मैं भी उसके पास ही रहता था। अब तो हो गया उसका भी खेल खत्म, धंधा भी बंद, सूरत में चलता नहीं बाजी बारा का धंधा, ऐसे चलता फिरता मैं उठा लेते नगर पालिका वाले, इतने जमा के रखा है दुकान मकान उसका चलता है। सही बात है, नहीं तो ऐसा रोड पे घूमने नहीं देते, हमारा तो चलता फिरता नहीं था, पक्की दुकान में माल बना रहे, एयर कंडीशन दुकान थी, मंडे भाजी पाला खराब ना हो, ठंडा एकदम सही, एयर कूलर का एयर। फिर आप रोड पे कैसे रहने लगे, जहाँ से हम आपको लेके आए भागल चार वो चौक के पास, वहाँ पे आप किस तरह आए? हम पे फिर वो लोग लेके आए ना हमको, वो पकड़ने वाले, हाँ वो आदमी एक है ना रोड से उठा लेते। अच्छा, दवा खाने में ऐसे एडमिट कर देते। अच्छा, दवा खाने में एडमिट कर देते, एडमिट कर देते, उसके बाद बस उनका काम ही वो। लेकिन आप हमको जहाँ भी मिले, जहाँ से मैं आपको लेके आया, तो वहाँ पे कैसे आए आप? वही नहीं मेरे को ध्यान, आपको नहीं ध्यान है? नहीं नहीं ध्यान। चलो कोई बात नहीं, अभी आपका ये घर है, ठीक है, यहाँ पे आपको रहना है, यहाँ पे आपको खाना पीना जो भी जीवन जरूरत की वस्तु है वो आपको मिलेगी, और जो आपका तकलीफ है थोड़ा सा तो हम हॉस्पिटल में दिखाएंगे, वहाँ दिखा के फिर आपको यहीं पे रहना है। आज से आपके पास एक नया घर है और आपको यहाँ पे घर की तरीके से रहना है, आपको रोड पे रहने की अब जरूरत नहीं है, नहीं ठीक है, और किसी से मांग के खाने की भी जरूरत नहीं, आपको यहीं पे रहना है और अच्छे से रहना है, ठीक है दादा। बस हाथ मत जोड़ो, आप आशीर्वाद दो हमारी टीम को, ताकि हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहे, है ना। अरे ऊपर वाला के हाथ में सब दादा, मैं तो खुद गरीब इंसान हूँ, उधर अगर चाहे ना कहाँ के कहाँ आदमी को पहुँचा देता है, सही बात, ऊपर वाला। चलो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, हम किसी के चेहरे पे खुशी ले पाए तो बहुत बड़ी चीज है, इंसान है इंसान की मदद करता है, इंसान की इंसान ही मदद करता है, ठीक है दादा। तो मैं अभी आपको आपका बेड दिखा देता हूँ, उसी पे आपको सोना है, वहीं पे रहना है, ठीक है, तो आइए मेरे साथ। राम 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 राम। आपके गांव वाले ध्यान रखने का तो क्या सभा में बैठ गया, मैं ठंडा नहीं लग रहा, लीजिए ऐसा जो है ना घर भी नहीं मिलता, नाना धोना अच्छे आदमी लाकर देरी बकवास करते हो, तुम लोग कितना अच्छा आदमी, ड्यूटी है ड्यूटी निभानी पड़ती, यही तो तुम पाओ जा पा रहे, फिर इसी से पा रहे तुम, अच्छे घमंड से तुम है, घमंड इंसान ने करना नहीं चाहिए कभी नहीं, अपन शरीर को संभालना के लिए बहुत बड़ा सत्य है, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, एक लाइक लग गया है ना। आपको मैं बरस देता हूँ जिव्या, जो भी है बड़ा सुरस
साबुन तेल सब दे देता हूँ, आप अपना ध्यान रखना, कोई भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ पे आदमी है, उनसे बोलना कि मेरे को ये चीज की जरूरत है, ठीक है? पैसा लाया? टोपी क्या किया दादा का, रख लिया? रखा है, लाऊं टोपी तो? टोपी दे, लाता हूँ। बोलो कितना? नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। रखो जेब में, रख ले जेब है ना इधर, बढ़िया है आपका। कपड़ा और चाहिए होगा और ले लेना, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, नहा धो के साफ सुथरा रहना, मौज करना है आपको आगे। बस यही चाहिए उम्मीद भाई, सही है। ऐसे बच्चे तो मेरे मेरे बच्चे तो साली ऐसे कि क्या बोलूं मैं, बच्चे भी इसको समझ नहीं पाता। ऐसे तो तुम धाँ खाने में कितने में प्रेम प्रेम भावना ये इंसान की बदलत जाती। मैं कितना खुश हो गया यहाँ पे आके, मिलाया झुलाया मस्त हो गया। आपको पहले डर लग रहा होगा कहाँ ले जा रहे हैं मेरे को, पहले डर लगा था ना कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जा रहे हैं बाबा मंत्री ये कहा डाल देंगे कुआ में, कुआ भी भर बहुत बड़ा कुआ है, वो कुआ किसको डालते हैं? वो जो कोड़े हैं, वो कोड़े का कुआ है, वो डर लगा कि मेरे को उठा के ले जाके कहीं डाल देंगे। वो कुआ अलग है उसका, उनका कुआ में डाल देती है, जलाते नहीं उनको। आप तो यहाँ पे जब तक जीवित रहोगे तब तक आप यहाँ पे रहोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? हाँ भाई, ठीक है दादा। हाँ ठीक है, ठीक है बाबू, बस आराम करो, मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा, ठीक है? हाँ जय, चलो जय साईनाथ।